हाय दोस्तों कैसे हो सभी लोग मैं आक्सफेम इंटरनेशनल एक एजेंसी है जिसने अभी रिपोर्ट प्रकाशित किया है अभी हाल ही में उसका रिपोर्ट आया है जिसने उसमें भारत के संबंध में बताया है कि भारत में जो एक परसेंट सबसे अमीर लोग हैं उनके पास देश की चालीस परसेंट संपत्ति है और जो सबसे गरीब तीस लोग हैं मतलब पचास है जो सबसे गरीब पचास लोग हैं उनके पास में देश का सिर्फ़ और सिर्फ़ तीन उनके पास में है और एक है मतलब ताजुब करने वाली बात है कि जो जी होता है जो टैक्स होता है चौंसठ परसेंट तो जो सबसे गरीब लोग हैं पचास परसेंट लोग वो पे करते हैं और जो सबसे अमीर लोग हैं जो टेन परसेंट सबसे अमीर लोग हैं वो सिर्फ जी में उनका योगदान सिर्फ़ और सिर्फ तीन परसेंट का है कोरोना के बाद में अगर किसी की आय में वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा तो और पतियों की संपत्ति में हुई है कोरोना से पहले भारत में एक सौ दो अरब पति थे लेकिन अब एक सौ छासठ हो गए हैं तो जो गरीब लोग हैं हमें लग रहा है टैक्स वही सबसे ज़्यादा पे करते हैं अमीर लोग तो किसी तरीके से अपने टैक्स बचा लेते हैं इस रिपोर्ट से तो यही सामने आता है और रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इन लोग के ऊपर संपत्ति के ऊपर से दो परसेंट अगर टैक्स लगाया जाए तो भारत में तीन साल तक जो कुपोषण से पीड़ित हैं उनके लिए अभियान चलाया जाए तो इससे कोरोना के बाद में अमीर और अमीर हुए गरीब और गरीब ही हुए हैं